एक्सरसाइज फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 मैंने डायरेक्ट बुक से अपलोड किया है, पीडीएफ से नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको लाजमी देख लीजिएगा। और जो जो चीज़ें मैंने पेन से मार्क की हैं उसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। इसमें जो सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं ये गाइडेंस से जो है वो लिया हुआ है सारा का सारा। जिन्होंने मियोस पढ़ी है उनको भी ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये मैं स्पीड से जाऊँगी इसको पढ़ के क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाली चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा, ये नाम बहुत सारे पढ़ेंगे इसमें और एक्सप्लेन कुछ चीज़ों को किया हुआ होगा, तो जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई होंगी उन पर फोकस करना है क्योंकि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें उसको पढ़ना है। अब जैसे कि हमें नाम पढ़ते हैं, ये हम कि चैप्टर नंबर 5 जो है वो न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी है। तो इसमें ये कह रहा है कि जो सेक्शन है चैप्टर का, इसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो रेगुलेट कैसे होते हैं, किस तरीके से हॉर्मोन्स हमारे टिश्यूज़ पर इफेक्ट डालते हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि न्यूरोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये स्पेशल फ्यूल होते हैं एक्सरसाइज का, स्पेशल फ्यूल होते हैं जो हमारी बॉडी में इधर उधर डिपॉजिट ग्लूकोज होता है, एनर्जी होती है उसको मोबिलाइज करके हमारी बॉडी में प्रोवाइड करता है। पर उसमें बहुत सारी चीज़ें काम कर रही थी। तो ये यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड में हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे बेस ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड होता है और ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस के साथ। इसके दो लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर जिसको हम एडिनो हाइपोफिसिस कहते हैं, एक होता है पोस्टीरियर लोब जिसको हम कहते हैं कि न्यूरो हाइपोफिसिस है। ठीक है, अभी जो हमारा इंटीरियर लोब है इसके अंदर हमारे पास 7 ग्लैंड्स होते हैं और इंटीरियर जो लोब है उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, इसको केमिकल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं या रिलीजिंग हार्मोनल फैक्टर्स या केमिकल रिलीजिंग फैक्टर्स या रिलीजिंग हार्मोन फैक्टर्स जो है वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। जबकि जो पोस्टीरियर वाला होता है उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, रिसीव इट्स हार्मोन फ्रॉम स्पेशल न्यूरोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमस। तो उसके लिए तो हमारे पास जो है वो केमिकल रिलीज हो रहा होता है और यहाँ पे हमारे पास स्पेशल मतलब दूसरे इस हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए, ग्लैंड को रिलीज़ करने के लिए हम दूसरे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, न्यूरॉन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो स्पेशल सिग्नल्स उसको न्यूरॉन से मिल रहे होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और इंटीरियर को जो है केमिकल स्टिमुलस मिल रहा होता है। अब इंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो मैंने कहा था सात जो है वो उसके अंदर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर सात इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट हार्मोन नहीं निकल रहे होते, ये भी स्टिमुलेटरी हार्मोन्स हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं। तो जो जिसको ये स्टिमुलेट करेंगे वो हार्मोन फिर आगे जाके निकलेगा। तो ये प्लेस का नाम पढ़े थे, नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, बार बार कह रही हूँ, उसको मार्क कर लीजिएगा बुक के अंदर, नाम याद करना लाजमी है। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, साथ में प्रोलैक्टिन। तो जब ये कह रहा है तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बाकी सारे हार्मोन्स के बारे में मैंने शॉर्ट शॉर्ट बता दिया और आगे कुछ हार्मोन्स के बारे में डिटेल से पढ़ेगा। तो डिटेल से जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जिसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के जा रहे हैं वो उसी हिसाब से फिर अपनी इंपॉर्टेंस रखता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो ये कह रहा है कि प्रोलैक्टिन जो है वो डायरेक्टली जो वो स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट को ताकि वो मिल्क को जो है प्रोड्यूस कर सके। जबकि जो मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स हैं ये सीक्रेट कहाँ पर होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, यानी मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन देखें, जब ज़्यादा हार्मोन्स हैं ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, कितने हार्मोन्स होते हैं दो, इंटीरियर में कितने होते हैं सात, तो ज़्यादा के ज़्यादा तो ज़्यादा सिक्रेशन कहाँ से होगी, ऑब्वियसली इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होगी, इंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ से होगी ज़्यादा सिक्रेशन। ये कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स हैं वो कहाँ से सिक्रेट हो रहे होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी से जो सिक्रेट हो रहे होते हैं। अभी कह रहे हैं TSH थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो TSS है, TSH है सॉरी, तो इसके बारे में बात कर रहा है कि ये जो है ये क्या कंट्रोल करता है, ये सिक्रेशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अभी जो एडिनोकॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन जो है ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स। और लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा होता है कि ये आपका जो मेल्स हैं उनमें टेस्टस और फीमेल में जो ओवरीज के अंदर, मेल्स में टेस्टस के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन की जो फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल कर होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा होता है कि इंसुलिन को रिलीज़ कर रहा होता है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जिसको IGF-S बोलते हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि ये पूरी बॉडी में काम कर रहे होते हैं। और ये कब रिलीज़ होते हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से बोला गया है और आगे इसके लिए पूरा पैराग्राफ भी है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स क्या हैं। ये लिवर से सीक्रेट हो रहे होते हैं, ये बहुत सारे मतलब इसका एक रीज़न नहीं है कि ये बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहला इसका रीज़न ये है कि जब भी आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे, खिंचने में जाएंगे, तो ये हार्मोन लाजमी सीक्रेट होगा। क्योंकि जब आपका मसल जब वो सीक्रेट हो रहा होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे जो मैकेनिज्म और हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं, ऑटोक्राइन और पैराक्राइन मैकेनिज्म उस पर काम कर रहे होते हैं,
तो जब हमारा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्रेन को ही सिग्नल जाता है कि इसका साइज़ बढ़ाना है, और वो काम कर ले और वो इसको हाइपरट्रॉफी में ले जाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो मसल की हाइपरट्रॉफी के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ हार्मोन इंपॉर्टेंट है। इसके इफेक्ट्स किस किस इसके कौन इफेक्ट्स किस चीज़ के होते हैं? मतलब ये प्रोटीन पर इफेक्ट डालता है, फैट पर और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर भी इफेक्ट डालता है, ताकि ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो सके ऑफ द मसल, जिस भी मसल को हम ट्रेन कर रहे हैं। अभी हमें ग्रोथ हार्मोन को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो उसको हम भी फिर डिटेल से ही पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जो सिक्रेट करता है, और इसका काम क्या होता है कि ये हाइपोथैलेमस की तरह, हाइपोथैलेमस से जो है वो ये सिक्रेट होता है। अब इसके जो है ना, यहाँ पर इस पूरी जो डिटेल से लिखी हुई ना, ये चीज़ इस पिक्चर में जो है एक्सप्लेन है, तो हम उसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, जब आप परेशान होते हैं किसी चीज़ के बारे में, मुसलसल सोच रहे होते हैं, आपके न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे होते हैं, जब आप लो प्लाज्मा ग्लूकोज हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, उस टाइम पे आपका हाइपोथैलेमस आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और उसके और हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो GHRH लिखा हुआ है इसका है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो रिलीज़ करता है हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी में। फिर इंटीरियर पिट्यूटरी जो है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है, और क्या करता है कि ब्लॉक करता है ग्लूकोज एंट्री टू एडिपोज सेल्स, यानी कि ग्लूकोज को एटीपी की फॉर्म में सेल में स्टोर नहीं करने देता, उसको जो है मोबिलाइज कर देता है कि भाई जाओ, अभी बॉडी को एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, तुम्हें स्टोर होने की ज़रूरत नहीं है, जाके इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी काम करो, ठीक है। अब दूसरा दूसरा काम ये क्या करता है, मतलब बहुत सारे स्टिमुलस मिल रहे होते हैं एक साथ, और ये बहुत सारे स्टिमुलस पर एक साथ काम करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ा देता है, लीवर की ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देता है, स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है, प्रोटीन बनेगी तो फिर ग्रोथ होगी। और जब ये सब चीज़ें अपना काम जब प्रॉपर लेवल पे कर लेती हैं, यानी एडिक्यूट लेवल पर आ जाती हैं, तो उसके बाद फिर यही जो है वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं कि भाई पूरा ओके है, हमारे पास एडिक्यूट क्वांटिटी में सारी चीज़ें हो गई हैं, अब जो है वो इसको बंद कर दें। तो फिर ये नेगेटिव फीडबैक के लिए, देखिए इनिशिएशन के लिए हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया, अब इसकी इनहिबिशन के लिए यहाँ पर सोमेटोस्टेसिन जो है वो सोमेटोस्टेटिन जो है वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और जो है वो इस हार्मोन की इनहिबिशन हो जाती है, और आपका जो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज है वो रुक जाती है। ये बात हो गई इस पिक्चर के थ्रू हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि IGF स्टिमुलेट टिश्यू अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स, द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन। अच्छा, ये जो हमने बात यहाँ पे कर ली कि IGF क्या करता है, इंसुलिन लाइन ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये क्या करता है कि आपके प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है, और क्या कर देता है, प्लाज्मा ग्लूकोज का इस्तेमाल जो है वो कम कर देता है। और ठीक है, जो सारी चीज़ें ग्लूकोनियोजेनेसिस में पढ़ ली, ये चीज़ें इसमें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अब ये कह रहा है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये एक्सरसाइज में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है ना, उसको नॉर्मल मतलब उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ये स्लो एक्टिंग हार्मोन है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी लंबे अरसे तक चल रहा होता है। अब इसके बारे में, ग्रोथ हार्मोन के बारे में थोड़ी सी डिटेल जो इन्होंने यहाँ पर भी दी हुई है, यहाँ पे नीचे एक चीज़ लिखी हुई है, उसको ज़रा पढ़े, लिखा हुआ है कि लास्ट वर्ड, बिकॉज ऑफ GHS ग्रोथ हार्मोन रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय सम एथलीट्स टू इन्हांस मसल मास एंड बाय ओल्डर एडल्ट्स टू स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। हाउएवर दीज प्रॉब्लम्स आर अप्रोच विद दिस अप्रोच, और यहाँ पे इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो ये जो लास्ट लाइन जो मैंने आपको पढ़ने को बोला है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रोथ हार्मोन को कुछ एथलीट्स भी ले रहे होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को जो है इन्हांस करने के लिए, और कुछ ओल्ड जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो अपने आप को हमेशा यंग रखने के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसको बाहर से हम लें इस चीज़ की जो रिकमेंडेशन है वो बहुत कम मिलती है, यानी रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर जाइगेंटिज्म हो जाएगा, जिस तरह ग्रेट खली को हमने देखा है कि उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, उसी तरीके से प्रॉपरली बोल भी नहीं पाते, उनके जो फेस के जो मसल्स हैं और जो उनका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इनहांस अजीब सा नज़र आ रहा होता है। और अगर ये हार्मोन कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, और बंदे की जो है वो हाइट छोटी रह जाती है या हाथ छोटे रह जाते हैं। और इसी के बारे में, अगर ये ग्रोथ हार्मोन आप एडल्टहुड के बाद, अगर आप प्यूबर्टी क्रॉस कर चुके हैं उसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो एक्रोमेगैली हो जाती है। एक्रोमेगैली में क्या होता है कि हाथ में अजीब किस्म की उंगलियाँ जो है वो मोटी मोटी सी हो जाती हैं, और वो नॉर्मल नहीं लगती, सिंपल वो नॉर्मल नहीं लग रही होती हैं। अब इसके अंदर जो है वो अगर ग्रोथ हार्मोन लोग क्यों ले रहे होते हैं कि बॉडी का जो लीन मास है ना उसको इंक्रीज़ करें। लीन मास अगर सडनली इंक्रीज़ होगा तो हार्ट इश्यूज़ और ETC बहुत सारे जो है वो डिफरेंट इश्यूज़ बॉडी में होने लग जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि लीवर अपना काम करना जो है वो बंद कर दे। तो इसके बहुत सारे रिस्क हैं, और इसको जो है वो डॉक्टर से मना किया है, जैसे अभी हमने बात की कि लोग अपने जो है वो यंग रहने के लिए जो इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ के बारे में जो यहाँ पर लिखा गया है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बल्कि जो भी था इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया।
इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इसको मना किया जाता है, कुछ रीजन है, वो यहाँ पे क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ना था, पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो है समरी में दोबारा क्या बता रहा है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ बोथ एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी दोनों की एक्टिविटी को हाइपोथैलेमस से कंट्रोल कर होता है। ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ताकि वो जो फैटी एसिड्स हैं, जो एडिपोज टिश्यूज हैं, उसको उसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज उसको मोबालाइज कर सके। अब देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी में हमने कितने सारे ग्लैंड्स पढ़े थे, लेकिन हमने पढ़ा कौन सा ग्रोथ हार्मोन, बाकी सारे हमने छोड़ दिए, मतलब ऐसा छोड़े नहीं है, उनको हम आगे जाके थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना वो हमें पहले पहले पढ़ना है, तो उसको पढ़ लेते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पर आगे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ओके पेज नंबर 100, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में क्या कह रहा है कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली इसकी जो स्टोरेज साइट है दो हार्मोन्स की, इसमें सिर्फ दो हार्मोन होते हैं, कौन सा, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा एंटी डायूरेटिक आइडिया जिसको हम कहते हैं, जिसको हम अर्जिनिन और वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, इसके नाम से का पता चल जाता है कि किस चीज़ का काम करता है। ठीक है, ये दोनों कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से, एंड अटैच कहाँ पर होते हैं, टू विच पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन द इज अटैच इज एट अटैच्ड इज अटैच। ठीक है, ऑक्सीटोसिन पावरफुल स्टिमुलेटर है स्मूथ मसल्स का, स्मूथ मसल की स्टिमुलेशन के लिए ऑक्सीटोसिन यूज़ करा होता है, कभी काम करता है, ये कॉन्ट्रेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये काम कर रहा होता है, मिल्क लेट डाउन कर लिए के लिए इसका जो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा, अब देखें इसको इन्होंने शॉर्ट बताया ऑक्सीटोसिन को, लेकिन एंटी डायूरेटिक के बारे में इन्होंने थोड़ी डिटेल दे दी है, तो जिस चीज़ के बारे में बुक में डिटेल दी गई है, तो आपको उसको भी बुक से ही इंपॉर्टेंट और गहरे तरीके से पढ़ना है लाजमी। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन का नाम जैसे इस पर लिखा हुआ है, ये खुद भी कह रहा है कि भाई इसके नाम से पता चलता है कि क्या करता है, बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है तो उसको उसकी रीअब्जॉर्प्शन के लिए काम कर रहा होता है, किस तरीके से किडनी में जो किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं उसके थ्रू वापस से जो पानी की रीअब्जॉर्प्शन करा लेता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चार्ट है, उसको समझते हैं कि जब एक बंदा एक्सरसाइज उसने करनी स्टार्ट की नॉर्मल नॉर्मल, तो उसका जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो लेवल था वो बॉडी में कम था, लेकिन जब उसने एक्सरसाइज ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करने लग गया, यानी 40 मिनट से ज़्यादा हो गए उसको एक्सरसाइज करते हुए, तो बॉडी के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो फॉर्मेशन थी वो बढ़ गई, यानी फिर बॉडी ने क्या किया कि एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा पानी लूज़ ना हो जाए, ज़्यादा स्वेटिंग ना हो जाए, यूरिन के थ्रू जो है पानी बॉडी में से निकल ना जाए, उसको बचाने के लिए जो है बॉडी ने एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है बॉडी के अंदर सिक्रेट करना शुरू कर दिया, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में। ये चार्ट इस बारे में कह रहे हैं। अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन की जो है वो स्टिमुलस क्या है, उसको मतलब किस रीज़न से वो स्टिमुलेट होता है, तो दो रीज़न हैं, एक तो हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी, यानी अगर बॉडी के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी तो प्लाज्मा जो है वो थिक हो जाएगा, प्लाज्मा के थिक होने की वजह से भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। दूसरी और दूसरा प्लाज्मा का थिक किस प्लाज्मा थिक किसी रीज़न से हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा स्वेटिंग आपको हो जाती है एक्सरसाइज के दौरान तो आपका प्लाज्मा थिक हो सकता है। दूसरी चीज़ लो प्लाज्मा वॉल्यूम, किसी तरीके से आपकी बॉडी में से प्लाज्मा ही जो वो निकल जाए, या तो एक्सीडेंट के थ्रू, या आपकी बॉडी जब जल जाती है कहीं से छाला हो जाता है तो आप देखते हैं कि छाला फूल जाता है, जो छाले में जो लिक्विड भरा हुआ होता है स्टिकी स्टिकी, उसको हम कहते हैं कि वो प्लाज्मा है। जब कोई बंदा जल जाता है तो उसकी डेथ इंजरी की वजह से नहीं होती, बॉडी का प्लाज्मा लूज़ होने की वजह से होती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी आपकी बॉडी में से जो है प्लाज्मा लूज होना शुरू हो जाता है तो भी आपका जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम करना शुरू कर देता है। किस तरीके से काम करता है, ये जाकर आपकी बॉडी के अंदर जहाँ जब जो कैल्शियम और पोटेशियम आयन्स यहाँ पर पड़े हुए होते हैं, तो आपका जो सोडियम है, जो आपके सोडियम आयन्स हैं उनके साथ जब हम सोडियम आयन को दोबारा रीअब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ पानी भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मा लेवल कम प्लाज्मा का लेवल कम होता है या लिक्विड का लेवल कम होता है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, बॉडी में जितने भी पार्ट्स में जो लिक्विड पड़ा हुआ है उसको रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वो बना तो नहीं सकता मजीद लिक्विड, तो वो क्या करता है, जो पड़ा हुआ होता है उसी को बचाने की कोशिश करता है, आपकी स्वेटिंग भी रुक देता है और आपको यूरिन पास आउट भी नहीं करने देता जब तक कि आप एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो इंटेक नहीं कर लेते, और थ्रस्ट मैकेनिज्म भी जो है एक्टिवेट कर देता है। अब ये चीज़ जो है वो हमने जो है वो बात कर ली इसके बारे में। थायरॉयड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, हमने भी बात कर ली एंटी डायूरेटिक हार्मोन के काम के बारे में कि ये क्या काम करता है, एक्सरसाइज के दौरान इसका होना क्यों ज़रूरी, क्योंकि अगर एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी का सारा लिक्विड अगर रिलीज हो गया तो फिर आप एक्सरसाइज करते हुए बेहोश हो सकते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखें एक तो खुद ग्लैंड है और ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन निकल रहा है उसी के नाम पे हमने उसका भी नाम रख दिया, यानी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन आ रहा है उसको हमने कह दिया कि भैया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ये बड़ा ईजी इन्होंने कर दिया। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा होता है, ये दो हार्मोन्स की जो है वो सिक्रेशन जो है करवा रहा होता है, कौन सी, T3 और T4, ट्राई आयोडो थायरोनिन और एक थायरोक्सिन। ठीक है,
ये क्या करवाता है, सिंथेसिस ऑफ टू आयोडीन कंटेनिंग हॉर्मोन्स। और इनका काम क्या होता है, इनका काम जो है वो यहाँ पर ऊपर चार्ट नहीं है, ठीक है, दूसरी बुक में है, तो इसके इसका जो है हम काम भी पढ़ लेंगे यहाँ पे। ये क्या काम करवाता है कि ये सर्कुलेशन करवाता है किस चीज़ की, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी स्टिमुलस फॉर रिलीज ऑफ T3 and T4, द सर्कुलेशन विद द बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, हमें ये पढ़ा था कि हमारे जो T3 T4 है ये प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड जो है वो हॉर्मोन्स होते हैं, और जब तक इनको इनका स्पेशल रिसेप्टर नहीं मिलता ये फ्रीली पूरी बॉडी में घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक इनको इनका जो है वो स्पेशल इनको प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड हार्मोन नहीं मिल जाता तब तक ये बॉडी में घूमते रहते हैं, और जब मिलता है तभी उससे अटैच होते हैं। तो क्योंकि इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए इनकी जो कंसनट्रेशन होती है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा होती है, पर रिसेप्टर कम होने की वजह से कंसनट्रेशन ज़्यादा है, फिर भी ये उतना इफेक्ट नहीं डाल पाते बॉडी में जितना इनको डालना चाहिए या जितना इनका इफेक्ट हमारी बॉडी पर आना चाहिए। अब वो किस तरीके से, वो यहाँ पे बात कर रहा है कि ये थायरॉयड हार्मोन्स आर सेंट्रल स्टेबलिशिंग और स्टेबलिशिंग ऑल ओवर मेटाबॉलिक रेट। आपकी बॉडी के अंदर आपका जो हजम करने का और जो एक्सरसाइज को की जो स्पीड है उसका जो रेट है उसको कंट्रोल करने का, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का जो सारा काम है वो थायरॉयड हार्मोन कर रहे होते हैं, यानी जो आपका मेटाबॉलिक रेट है किसी भी इंडिविजुअल का, कि वो भाई कोई बंदा बहुत एक्टिव होता है, कोई कुछ लोग बड़े सुस्त होते हैं, तो वो सारा कंट्रोल कर रहे होते हैं थायरॉयड हार्मोन। तो ये कह रहा है कि वो लोग जिनके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा या जिनके अंदर थायरॉयड हार्मोन कम होगा, या तो वो बहुत ज़्यादा लथार्जिक होंगे, बहुत ज़्यादा सुस्त होंगे, उनको एक जगह बैठे रहना और लेटे रहना और सोते रहना, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। इसको हम लोग जो है वो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ इफेक्ट ऑफ द हार्मोन दैट इज़ बिन लिंक टू वेट कंट्रोल प्रॉब्लम्स। अब इसको हम लोग जो है लिंक करते हैं कि भाई अगर किसी का जो है वो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। देखिए, थायरॉयड की प्रॉब्लम जिन लोगों को हो जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये जिनको थायरॉयड है उनमें तो ये लाजमन ऐसा होता है कि उनका वेट बढ़ जाता है, लेकिन हर शख्स जिसका वेट बढ़ा हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि उसको थायरॉयड है, ये बात समझ रहे हैं आप। यानी अगर कोई शख्स मोटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको थायरॉयड होगा लाजमी, वो इसीलिए मोटा है, दूसरे रीजन भी होते हैं, लेकिन अगर किसी को थायरॉयड है और वो फिर मोटा है तो उसका मतलब ये है कि वो जो उसका वजन बढ़ा हुआ है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ही बढ़ा हुआ है। तो यानी ये कह रहा है कि वेट के अंदर भी, ओबिसिटी के अंदर भी थायरॉयड का कुछ थोड़ा बहुत रोल है, और पर उसमें लिखा हुआ है के बट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ ओबीज इंडिविजुअल्स आर हाइपोथायराइड। बहुत कम क्वांटिटी होती है, बहुत कम जो वो नंबर्स के जो जो पेशेंट्स होते हैं ना उनको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, बाकी बंदे ऐसे ही खा पी के मोटे हुए होते हैं, इसका मतलब ये है। तो T3 और T4 जो है वो परमिसिव हार्मोन्स है, ये पूरा का पूरा इफेक्ट डालते हैं, पूरा इनका जो पूरा इफेक्ट आता है पूरी बॉडी पर जो इफेक्ट डाल रहे होते हैं किसी एक जगह पे नहीं। तो जिनका जो लेटेंट पीरियड है, लेटेंट पीरियड क्या होता है कि इनका इफेक्ट करने का टाइम, यानी कितना टाइम देते हैं ये अपने असरात जाहिर करने का। तो जो आपका T3 है उसको तो भाई 6 से 12 घंटे लगते हैं, और जो T4 है उसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अब हमें ये देखिए जो टाइम है ना कम और ज़्यादा, ये डिपेंड करता है कि भाई उसको जो उसका रिसेप्टर है स्पेशल प्रोटीन का जो रिसेप्टर है वो कब मिलेगा। जब उसको मिल जाएगा वो उस तरीके से जो है वो उसकी क्या कहना चाहिए कि अपने जो है वो इफेक्ट दे देगा। अब जिसके इफेक्ट ज़्यादा होंगे वो, जिसके रिसेप्टर ज़्यादा होंगे उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, नो मैटर कि भाई कंसनट्रेशन भले T3 की ज़्यादा हो T4 की ज़्यादा हो, जिसके रिसेप्टर ज़्यादा होंगे इफेक्ट उसका ज़्यादा आएगा। ये चीज़ हम जो है वो पढ़ चुके हैं गाइड में पहले, और जो है उसको ज़्यादातर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ समझने की है उसको ज़रा समझ लें। अभी कह रहा है कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन, ये जो हार्मोन्स होते हैं ना ये भी किस चीज़ पे काम करते हैं, नेगेटिव फीडबैक पे काम करते हैं। जैसे इनका जो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है फिर ये इनकी जो जो इन जो जैसे आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही इसको जो है वो स्टिमुलेट करता है कि इसकी जो है वो रिलीज़ हो जाए ये बॉडी में, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही जो है वो इसकी रिलीज़ को रोक देता है, यानी ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है इसका। जब इसका लेवल एडिक्वेट लेवल पर पहुँच जाता है तो खुद ब खुद जो है वो अपने रिलीज को जो है रोक देता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द फ्री हार्मोन कंसेंट्रेशन इंक्रीज ड्यू टू द चेंजेस इन बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड हार्मोन टेकन एट फास्ट रेट ऑफ बाय टिश्यू। अब एक्सरसाइज के दौरान जो है वो इसकी जो कंसेंट्रेशन है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान मैंने कहा था ना कि आपके जो मसल फाइबर्स जो वो टूट रहे होते हैं प्रोटीन फाइबर्स, और प्रोटीन फाइबर्स जब टूट रहे होते हैं तो उसके रिपेयर का काम भी साथ के साथ ही शुरू हो जाता है। तो उसके लिए फिर जैसे मैंने कहा जो बंदा जितना ज़्यादा एक्टिव होगा ना उसके अंदर थायराइड हार्मोन उतना ही ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं आप। जिसको हाइपर थायराइडिज्म होगा वो बंदा कमज़ोर होगा, और जिसको हाइपोथायराइडिज्म होगा बंदा मोटा होगा। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसकी जो TSH की जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और उसके अंदर प्रोटीन की जो ब्रेक डाउन का जो काम है वो उस टाइम पर ज़्यादा हो जाता है,
यानी जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना TSH बॉडी में सीक्रेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये कह रहा है कि फाइनली एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो उसका बिल्कुल थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पिट्यूटरी थायराइड पर, लेकिन होता ज़रूर है। ठीक है, यानी एक्सरसाइज से आप फॉर एग्जांपल किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो बंदा ये नहीं कर सकता कि वो एक्सरसाइज करके अपना वेट कंट्रोल कर ले। ये जो असरात है ना एक्सरसाइज के उस पर इतने नहीं आएंगे क्योंकि इट्स अ डिज़ीज़, उसको किसी रीज़न की वजह से जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ हुआ है। लेकिन अगर कोई बंदा वैसे ही हेल्दी है तो वो जो है वो एक्सरसाइज करके अपने थायरॉयड ग्लैंड की सिक्रेशन को बढ़ा सकता है और अपनी बॉडी को जो है वो एक्टिव कर सकता है। अब यहाँ पे इसकी समरी में एक लाइन में लिखा हुआ है कि थायरॉयड हॉर्मोन्स T3 एंड T4 आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द मेटाबॉलिक रेट अलाउिंग द अदर हॉर्मोन्स टू ब्रिंग आउट देयर फुल इफेक्ट। ये मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा थायरॉयड हॉर्मोन तो फिर बाकी हॉर्मोन जो है वो अपने असर जो है प्रॉपर तरीके से डाल सकेंगे बॉडी के ऊपर। अब अगला जो है ये है कैल्सिटोनिन। इसके नाम से पता चल रहा है कि भाई ये कैल्शियम से रिलेटेड है। अच्छा, एक कैल्सिटोनिन है और दूसरा यहाँ पे है पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। वो कैसे हम इसको पढ़ते हैं? अपने जो थायरॉयड ग्लैंड है वो कैल्सिटोनिन को भी सिक्रेट करता है। कैल्सिटोनिन का काम क्या करता है? जब आपके आपके जो प्लाज्मा के अंदर कैल्सिटोनिन की सिक्रेशन बढ़ जाती है, कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, यानी आपके जो बोन है वो बहुत ज़्यादा बोन में से बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिलीज हो रहा है और वो प्लाज्मा के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कैल्शियम जमा हो गया है। ठीक है, तो ये कैल्सिटोनिन जब कंसनट्रेशन बढ़ जाती है कैल्शियम की इन द प्लाज्मा, तो कैल्सिटोनिन सिक्रेट होता है और वो जाके उसको रीअब्जॉर्ब करवा देता है ताकि ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, और क्या करता है कि ये बोन को स्टिमुलेट करता है कि भाई वो जाके अपना जो जो तुमने एक्स्ट्रा जो सीक्रेट कर दिया है प्लाज्मा के अंदर इसको जो है वो रोक दो, और इसकी जो सीक्रेशन है इन द प्लाज्मा उसको रोक दो। ठीक है, और जो बकाया जो फारिक जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होता है वो उसको जो है वो सीक्रेट करवा देता है, एक्सक्रेट करवा देता है थ्रू किडनी। यानी जब आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी में प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो बॉडी ने कैल्सिटोनिन को सिक्रेट किया ताकि ये जाए और बोन को जगाए कि भाई ज़्यादा ही सिक्रेट कर दिया है आपने, अब आप रुक जाएं, और उसकी कंसंट्रेशन को नॉर्मल करने के लिए रीअब्जॉर्प्शन भी करवाता है थ्रू किडनी। ठीक है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन भी करवाता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन किस तरीके से फ्रॉम बोन एंड स्टिमुलेट्स कैल्शियम एक्सक्रीशन एट द किडनी टू लोअर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, एक तो ये दो काम करता है कैल्सिटोनिन, एक तो बोन से उसकी जो बोन से कैल्शियम की सिक्रेशन रोक देता है, दूसरा जो एक्स्ट्रा प्लाज्मा आ गया है उसको यूरिन के थ्रू आउट करके कंसंट्रेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन को नॉर्मल कर देता है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि कैल्सिटोनिन इज़ नॉट इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज, कैल्सिटोनिन एक्सरसाइज के रिजल्ट में जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता। ये समझाने का मकसद ये है कि लोग डर ना जाएं और एक्सरसाइज ना रोक दें, ये यहाँ पे इन्होंने इसलिए बोला है। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड इसके ऑपोजिट किस तरह है? देखिए, यहाँ पर तो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम बढ़ा तो कैल्सिटोनिन सिक्रेट हो गया उसको रोकने के लिए। इसमें क्या होता है कि जब आपका आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है किस चीज़ की? कैल्शियम की। कैल्शियम की जो जब आपकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है प्लाज्मा के अंदर तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो कैल्शियम को प्लाज्मा के अंदर नॉर्मल लेवल पर रेगुलेट करने के लिए फिर बोन से रिलीज़ करवाता है कैल्शियम प्लाज्मा में। ठीक है, वो क्या करवा रहा था? रीअब्सॉर्ब करवा रहा था कौन? कैल्सिटोनिन, और पैराथायरॉयड जो है वो उसको रिलीज़ करवा रहा है। तो ये जो है वो दोनों का डिफरेंस है। अब एड्रिनल ग्लैंड इज़ रियली डिफरेंट ग्लैंड द एड्रिनल मेडुला विच सीक्रेट। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो दो मुख्तलिफ तरीके के ग्लैंड होते हैं, एक एड्रिनल मेडुला और जो जो है कैटेकोलामाइन्स एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन सीक्रेट करता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स का सीक्रेट कर होता है स्टेरॉयड हार्मोन। अब इसमें जो हमने कैटेकोलामाइन पढ़ा है उसको हम जो हमारी बुक है उसने एक्सप्लेन नहीं किया, जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पास वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, तो हम भी उसी को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द बुक। एड्रिनल मेडुला इज़ पार्ट ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। एड्रिनल मेडुला जो है वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और 80% जो आपके ग्लैंड है ना जो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन ये सारे सीक्रेट कर रहे होते हैं एड्रिनल मेडुला। क्यों? क्योंकि ये जो है वो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी और GI ट्रैक और जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड और एडिपोज टिश्यू है उसके लिए हमको एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ही चाहिए, तो एड्रिनल मेडुला इसको सीक्रेट करता है। तो 80% से ज़्यादा काम ही बेचारा अकेला ही कर रहा होता है। अब एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन का क्या काम है? ये हमारे अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है और
प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो इसका क्या रोल है वो हम पहले चैप्टर में आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आगे चैप्टर नंबर 9 में भी इसको डिस्कस करेंगे। अभी क्या कहना चाह रहा है कि एड्रिनल मेडुला फास्ट एक्टिंग हार्मोन है, यानी इसमें से जो हार्मोन निकलते हैं वो फास्ट एक्टिंग होते हैं। यानी जब आप शदीद सदमे में हैं, कोई झटका लगा है, परेशानी है, उस वक्त जो आप फट से जब आप कुछ सोचते हैं तो उसके रिएक्शन में जो हार्मोन रिलीज होता है, यानी कहते हैं टेंशन से ब्लड प्रेशर बढ़ गया और प्यास लगना बंद हो गई है, भूख ही मर गई है, वो जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसको जो कंट्रोल सिस्टम है ना वो एड्रिनल मेडुला होता है। 80% जो है वो ये ही इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टिमुलस को कंट्रोल करता है। और कैनन जो यहाँ पे कैनन लिखा हुआ है, ये एक जो है वो साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है इन्होंने, जो वो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन के जो इम्पोर्टेंट जो इसके जो फ़ायदे नुकसान हैं उन सबको डिस्कस किया हुआ है। और ये कहते हैं कैनन साहब, ये कहते हैं कि कैनन साहब के व्यू में एक्टिवेशन दैट द एक्टिवेशन ऑफ द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम वाज प्रिपेयर्ड यू बाय आइदर टू कन्फ्रंट डेंजर और टू फ्ली फ्रॉम इट। अभी जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, यही है जो आपके सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को तैयार करता है कि भाई लड़ना है या भागना है, इन दो चीज़ों के ऊपर कि आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे किसी भी सिचुएशन के लिए। यहाँ पे बस ये कहना चाह रहे हैं, इनका हाइपोथेसिस ये था। अभी जो आगे इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं अल्फा बीटा, तो इसको हम जो है वो पढ़ लेते हैं इस चार्ट के थ्रू। ये चार्ट समझ में आ जाएगा तो ये सारी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन में दो किस्म के, तीन किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा बीटा और एक डेल्टा भी होता है, और आई गेस डेल्टा होता है, नहीं सॉरी दो ही होते हैं, डेल्टा वो आगे होगा, ठीक है, अल्फा और बीटा। इसकी भी जो है वो आगे टाइप्स होती हैं अल्फा और बीटा की, यानी अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। जब भी आपका, अब देखें गौर से, आपका एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, हमने पीछे पूरा सिस्टम पढ़ा कि जब हमारे सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होते हैं, उससे जाके हार्मोन जो है वो अटैच होता है। तो जब आपका एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन जो है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम जो है, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम एंजाइम से जाके अटैच होता है, उसके अंदर जो है वो उसको दो रिसेप्टर्स मिलते हैं, ठीक है, जब वो सेल के अंदर जाता है दो रिसेप्टर्स उसको मिलते हैं इस हार्मोन को, कौन से, अल्फ़ा और बीटा। अब अल्फ़ा के भी दो मिलते हैं और बीटा के तीन मिलते हैं। तो जब वो जब उसको हार्ट रेट बढ़ाना होता है या ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाना होता है या लाइपोलाइसिस करवाना होता है, तो वो बीटा वन रिसेप्टर से जाके जब अटैच होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था, वो सेल के अंदर जाता है हार्मोन के साथ अटैच होता है, रिसेप्टर जब अंदर भेज देता है, रिसेप्टर अपने प्रोटीन स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके वो हार्मोन अटैच हो जाता है, वहाँ पे फिर वो एडेनाइलेट साइक्लेस को जो वो स्टिमुलेट करता है, वो एटीपी को सिक्रेट करता है, एटीपी का करती है कन्वर्ट हो जाती है साइक्लिक एएमपी में, फिर वो आगे अपने प्रोटीन सिंथेसिस या सेलुलर चेंजेस में जो भी उसको करवाने होते हैं वो फिर उस तरफ उसके एक्टिवेशन में चला जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर हर जगह सेम रहेगा, बस रिसेप्टर चेंज होगा। जब रिसेप्टर बीटा वन होगा, एपिनेफ्रिन जब वो बीटा वन एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो बीटा वन रिसेप्टर के पास जाके अटैच होंगे, तो हार्ट रेट बढ़ेगा, ग्लूकोजिनोलाइसिस होगा, एलिपोलाइसिस होगा। जब बीटा टू रिसेप्टर से जाके अटैच होगा तो ब्रोंकियोडाइलेशन होगी, वेजोडाइलेशन होगी, ठीक है। जब बीटा थ्री रिसेप्टर से जाके अटैच होंगे नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, तो लिपोलाइसिस और फोस्फोडाइस्ट्रेज होगा और वेजो कंस्ट्रक्शन भी होगी। और जब लिपोलाइसिस और सिर्फ लिपोलाइसिस होगी, जब अल्फा वन से जाके एपिनेफ्रिन अटैच होगा तो क्या होगा, कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन के साथ अटैच होगा, वो फॉस्फोलाइपेज सी के साथ, ये सेकंड मैसेंजर है, ठीक है, ये सारे सेकंड मैसेंजर्स हैं, लेकिन हर मैसेंजर के पास जो रिसेप्टर्स हैं उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है। अब ये फॉस्फोलाइपेज के साथ अटैच होगा, वो क्या करेगा, वहाँ से कैल्शियम को सीक्रिएट कर देगा, कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम फ्रीली जाके कैल्शियम की कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल चेंज कर देगा। उसके इफेक्ट्स क्या आएंगे कि फॉस्फोडाइस्ट्रेज जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्शन भी हो जाएगी। जब वो अल्फा टू पे जाके अटैच होगा एपिनेफ्रिन, तो फिर क्या होगा, फिर साइक्लिक एएमपी कम हो जाएगी, यानी रिड्यूस हो जाएगी, और फिर क्या होगा, उसका अपोज रिएक्शन आएगा, अपोज रिएक्शन ऑफ बीटा वन बीटा टू रिसेप्टर आएगा,
तो अपोजिट रिएक्शन बीटा बीटा वन में क्या हो रहा था कि ब्रोंकोडायलेशन हो रही थी और वेजो डायलेशन हो रही थी, तो फिर वो क्या होगा कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी। और बीटा वन में क्या हो रहा था कि हार्ट रेट बढ़ रहा था, तो यहाँ पे फिर हार्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा। बस ये चेंजेस हैं इसके अंदर, जो ये बातें हैं जो यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई हैं, इसके जो फंक्शन लिखे हुए हैं। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स की बारे में बात करते हैं। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो वैरायटी ऑफ स्टेरॉयड हॉर्मोन्स को सीक्रेट कर रहा होता है। इसमें जो तीन जो इंपॉर्टेंट है, मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मिनरल है मतलब सोडियम और कैल्शियम की बात हो रही है, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा इन रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज और सेक्स स्टेरॉयड की बात करें यानी एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस एट द लेवल ऑफ प्यूबर्टी। अब ऑल्डोस्टेरोन जो है यानी ऑल्डोस्टेरोन या मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द रेगुलेशन और रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। यानी ये रेगुलेशन करवाता है, जब हमने मैंने अभी पीछे बात की थी कि जब हमारा सोडियम जो है वो जब रीअब्सॉर्ब होता है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन जब पोटेशियम होता है सीक्रेट तो सिर्फ पोटेशियम ही सीक्रेट होता है, ठीक है। तो सोडियम के साथ ऑटोमेटिकली वाटर जो है वो कनेक्टेड है, इसके बारे में भी आई गेस यहाँ पर चार्ट था, विल सी दैट, उस चार्ट को भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि देर आर टू लेवल्स ऑफ कंट्रोल ओवर ऑल्डोस्टेरोन सीक्रेशन। ऑल्डोस्टेरोन सीक्रेशन के ऊपर दो कंट्रोल है, एक कॉम्प्लिकेटेड है एक बहुत ईजी है। जो ईजी वाला है वो ये है कि हमें जब ऑल्डोस्टेरोन सीक्रेट करवाना होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो हम क्या करते हैं कि उसको डायरेक्टली कंट्रोल बाय प्लाज्मा पोटेशियम कंसनट्रेशन। प्लाज्मा के अंदर जब पोटेशियम की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो ऑल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन भी बढ़ जाती है, ऑल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन भी बढ़ जाती है तो किडनी क्या करती है कि वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को जब स्टिमुलेट कर देती है, एक्टिव कर देती है। जब ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है तो उसको नेगेटिव फीडबैक मिलना शुरू हो जाता है कि भाई पोटेशियम की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करो, उसके साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और जब सोडियम का इनफ्लक्स होता है तो पोटेशियम का आउटफ्लक्स जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। ये तो यानी बहुत ईजी था ये वाला कि भाई उधर सोडियम का, जैसे ही सोडियम बढ़ता है तो फ़ौरन से ऑल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन जो है वो शुरू हो जाती है। अब दूसरा वाला प्रोसीजर क्या है, ये कह रहा है कि दूसरा जो थोड़ा सा मुश्किल है कि अ डिक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम, जब ब्लड प्रेशर गिर जाए या प्लाज्मा वॉल्यूम गिर जाए वही किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी सिंपथेटिक एक्टिविटी की वजह से, तो फिर किडनी क्या करती है कि किडनी एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसको हम रेनिन कहते हैं, फिर रेनिन प्लाज्मा में एंटर होता है, फिर प्लाज्मा में एंटर होकर वो उसको एंजियोटेंसिन वन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर एंजियोटेंसिन वन जो है वो एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एंजियोटेंसिन टू क्या करता है एंजियोटेंसिन टू बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्ट, ठीक है। एंजियोटेंसिन टू जो है वो बहुत पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर है, फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा के जितना भी लिक्विड बॉडी में पड़ा हुआ है उसको जो है वो बॉडी में रोकने की कोशिश करता है, और जितना भी सोडियम है उसको रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, फिर जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है तो उसके साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, स्वेट में से जितना भी आपका स्वेट पड़ा हुआ होता है उसमें से रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है, जितना भी यूरिन पड़ा हुआ होता है उसमें से रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है, और आपकी बॉडी को जब तक वहाँ पास बाहर से कोई हेल्प नहीं आती, बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहता है, ये इसका काम है, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी ये यही काम कर रहा होता है। अब आगे चीज़ें कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इज ये प्राइमरी कॉर्टिको कॉर्टिकॉइड है, इसको कौन सीक्रेट करता है, इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट करता है। बाय अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म कॉर्टिसोल कंट्रीब्यूट्स टू द मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज ड्यूरिंग लॉन्ग फास्टिंग एक्सरसाइज। जब हम रोज़ा रख रहे होते हैं तब हमारे पास कॉर्टिसोल ही होता है। अच्छा अब ये क्या काम करता है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ये क्या करता है उल्टा काम करता है। कॉर्टिसोल क्या करता है कि जब हम रोज़ा रखा हुआ है हमने, ठीक है, या हम जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो इस टाइम पे ये क्या कर रहा होता है कि जो डिपॉजिटेड प्रोटीन होता है ना उसको तोड़ना शुरू कर देता है, उसको तोड़ के दो काम करता है, जो डिपॉजिटेड है उसको तोड़ता है और जो डिपॉजिशन होने के लिए जा रहे हैं उनको इनहिबिट कर देता है कि भैया डिपॉजिट होने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये बंदे ने कुछ खाया ही नहीं इतने टाइम से, तो तुम जो जाने की ज़रूरत नहीं है, अमाइनो एसिड के फॉर्म में ही रहो और बॉडी को जैसे एनर्जी की ज़रूरत पड़े ग्लूकोज बन के और जो है चले जाना, ठीक है। और जो पड़ी हुई होती है पहले से डिपॉजिट हुई हुई तो उसको जो वो तोड़ ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, फिर उसको जो अमाइनो एसिड बनाना शुरू कर देता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे साथ क्या हो रहा होता है, आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज अच्छे खासे वार्म अप के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ऑल्डोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है। ऑल्डोस्टेरोन का लेवल क्यों बढ़ जाता है, हमने पढ़ा था ऊपर कि जब आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, पोटेशियम की क्वान्टिटी प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे पास ऑल्डोस्टेरोन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है ताकि सोडियम कंसनट्रेशन को बरकरार रख सके, रेनिन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, रेनिन की एक्टिविटी क्या करती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है, और एंजियोटेंसिन टू सीक्रेट होना शुरू, अब जब रेनिन होगा तो रेनिन होगा तो फिर एंजियोटेंसिन वन और टू तो लाजमी होंगे और उनकी जो है वो क्वान्टिटी बढ़ जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज,
ताकि बॉडी को किस तरीके से पानी की कमी जो है वो ना हो सके, और पानी यानी प्लाज्मा, प्लाज्मा और प्लाज्मा के अंदर जो लिक्विड्स पड़े हुए उनकी कमी ना हो सके। अब यहाँ पे कॉर्टिसोल की जो कंट्रोल ऑफ कॉर्टिसोल सिक्रेशन होइंग द बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट, अब यहाँ पे कॉर्टिसोल के सिक्रेशन में इतना सारा थ्योरी लिखी हुई है, उसको हम जो इधर से पढ़ सकते हैं बहुत ईजिली। इस चार्ट से जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आपकी हड्डी वड्डी टूट जाती है किसी एक्सीडेंट में या समथिंग, जब आप जल जाते हैं या जब आप स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस आप रोज़े को भी कह सकते हैं, जब आप फास्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज, बोन ब्रेक, बर्न्स और स्ट्रेस, क्योंकि हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम एक्सरसाइज को ज़्यादा यहाँ पर अहमियत देंगे। तो जब आपके बॉडी जब इस तरीके से किसी भी तरीके के स्ट्रेस में होती है, चाहे वो एक्सरसाइज वाला स्ट्रेस हो या टेंशन वाला स्ट्रेस हो या चोट लग गई है वो वाला स्ट्रेस हो या जल गया है उसकी उसकी टेंशन हो, तो आपकी बॉडी क्या रिलीज़ करती है? कॉर्टिसोल, आपका जो हायर ब्रेन सेंटर्स है उसको स्टिमुलस जाता है, वो स्टिमुलस देते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करते हैं? कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, फिर कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन जो उसको रिलीज़ करते हैं, कहाँ से? एडिनल कॉर्टेक्स से। एडिनल कॉर्टेक्स क्या करता है? कॉर्टिसोल को रिलीज़ करता है, और कॉर्टिसोल क्या करता है कि मोबिलाइज करता है अमाइनो एसिड्स को, यानी पहले क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, फिर उससे बनाता है अमाइनो एसिड, और फिर अमाइनो एसिड को मोबिलाइज करके पूरी बॉडी में भेज देता है कि जाओ जाकर जो है वो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रही है उसको जो है वो ठीक करके आओ। फिर क्या करता है, फ्री फैटी एसिड्स को जो स्टोर करने से रोक देता है, उसको भी मोबिलाइज कर देता है, स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, और एंट्री ऑफ ग्लूकोज को टिश्यू में रोक देता है, यानी ग्लूकोज जो है वो टिश्यू में आके स्टोर हो उसको भी ये रोक देता है, उस प्रोसीजर को भी ये रोक देता है। और जब इसका काम प्रॉपर हो जाता है तो फिर से ये जाता है हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस को जाकर कहता है कि भाई जो है मेरे पास एडिक्वेट क्वांटिटी में हो गया है, तो अब इसके रिलीज जो है वो रोक दो। ये उस चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो है वो हमने इसके थ्रू जो है सारा पढ़ लिया। अब यहाँ पे आगे का कह रहा है, ठीक है, बोन ब्रेक, स्ट्रेस, स्ट्रेस वाली बात हो गई। अब आगे हम पढ़ते हैं पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास के अंदर दोनों तरीके के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन भी होता है। हमें जो इंपॉर्टेंट है, हम ऑब्वियसली हमें एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ने का, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी में हमें एंडोक्राइन ही ज़्यादा पढ़ने, पर क्योंकि हम पेनक्रियास पे आ गए हैं तो दोनों बातों को डिस्कस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे पास पेनक्रियास होते हैं, इस पर दो तरीके के ग्लैंड होते हैं, ये जो एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अब जो इसकी एक्सोक्राइन सिक्रेशन है उसमें क्या होता है, इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट हो रहे होते हैं, ठीक है। और जो जो इसकी एंडोक्राइन है, जो हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन हार्मोन है, जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो कहाँ पर रिलीज होते हैं, उसको हम कहते हैं कि आइलेट्स ऑफ लैंग्रीन। जो पेनक्रियास का वो पोर्शन जहाँ पे आपके एंडोक्राइन, जिसको हम एंडोक्राइन पोर्शन कहते हैं, जहाँ पे एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं कि आइलेट्स ऑफ लैंग्रीन्स है। अब आइलेट्स ऑफ जो लैंग्रीन्स हैं उसके अंदर अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं, और हर सेल का अपना एक डिफरेंट फंक्शन है इसमें। अब आइलेट ऑफ लैंग्रीन्स जो है वो लैंग्रीन्स इंक्लूड करता है किसको, ग्लूकागन और सोमैटोस्टेटिन, यानी जो आपका पेनक्रियाज है उसमें जो एंडोक्राइन सिक्रेशन है उससे दो हार्मोन जो रिलीज़ हो रहे होते हैं। कौन से दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में इन्होंने दिए, ग्लूकागन और सोमैटोस्टेटिन, वो कहाँ से रिलीज़ हो रहे होते हैं, वो रिलीज़ हो रहे होते हैं आपके पेनक्रियाज के अंदर मौजूद आइलेट ऑफ लैंग्रीन से। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं कि भाई थोड़ी सी इसको देख लेते हैं कि इंसुलिन जो है वो आपके आइलेट ऑफ लैंग्रीन के अंदर जो बीटा सेल पड़े हुए होते हैं वहाँ से सीक्रेट हो रही होती है। और ये क्या करती है कि आपकी बॉडी के अंदर जब भी आप खाना खाते हैं और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन जो है वो आकर आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर देती है और जाके ग्लूकोज को स्टोर कर देती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द सेल्स। अगर ये ना हो तो आपको डायबिटीज़, मेलिटस और इस तरीके की जो डिजीज़ जो है वो हो जाती हैं। सोमैटोस्टेटिन का क्या काम है, सोमैटोस्टेटिन का काम ये है, सॉरी दूसरा है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सवाल आते रहते हैं, पूछते भी हैं। ग्लूकागोन कहाँ से सिक्रेट होता है, अब जब बीटा सिक्रेट कर रहा है इंसुलिन को तो अल्फा सिक्रेट कर रहा होता है ग्लूकागोन को। ग्लूकागोन का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, ऑपोजिट काम करते हैं, जो काम इंसुलिन करता है ना उसका ऑपोजिट काम जो है वो ग्लूकागोन कर होता है। ग्लूकागोन कब सिक्रेट होता है, देखिए जब आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मा ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इंसुलिन सिक्रेट होती है, और जब आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मा ग्लूकोज कम हो जाता है तो ग्लूकागोन सिक्रेट होता है। इंसुलिन का काम क्या था कि ग्लूकोज को लेके स्टोर करा दे बॉडी में, ठीक है, और ग्लूकागोन का काम ये है कि जो स्टोर हुआ हुआ जो ग्लूकोज है उसको लेकर आ जाए, पूरी बॉडी में घुमा दे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब लो ग्लूकोज, जिनको ग्लूकोज लो होता रहता है उनकी बॉडी में क्या सिक्रेट हो रहा होता है, ग्लूकागोन, और जिनकी बॉडी में हाई ग्लूकोज लेवल होते हैं उनको ज़रूरत होती है इंसुलिन की, ठीक है। यानी ये इसका ऑपोजिट है, इंसुलिन का ऑपोजिट है ग्लूकागोन, इन फंक्शन भी और वैसे भी ऑपोजिट काम करता है इसका, ठीक है। अब ये सोमैटोस्टेटिन क्या है,
अच्छा इसको यहाँ पे समरी में पढ़ लेते हैं, बड़ा इजी लगेगा। इंसुलिन इंसुलिन को सीक्रेट करता है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स ऑफ व्हाट? बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंग्रेंस फ्रॉम पेनक्रियाज टू प्रमोट इन स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। जबकि ग्लूकोगन क्या कर रहा होता है कि मोबिलाइजेशन करवा रहा होता है ग्लूकोज की। अब सोमेटोस्टेसिन का काम क्या है कि ये पेनक्रियाटिक सोमेटोस्टेसिन जो कहाँ से सीक्रेट होते हैं, डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंग्रेंस से सीक्रेट हो रहे होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये जब आप खाना खाते हैं और जब ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है आपके जीआई ट्रैक में आपके उस फूड की, इन किसी भी फॉर्म में, भले आपने प्रोटीन लिया है तो वो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, ये जब आपने जो भी खाया है मीठा वगैरह और वो ग्लूकोज की फॉर्म में हो रहा है, तो उस टाइम पे उस एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट हो जाए पूरी बॉडी में, उसको कंट्रोल कर रहा होता है सोमेटोस्टेसिन। और हमने पढ़ा था एक जगह पर पीछे के हाइपोथैलेमस से कि मे के कुछ हार्मोन्स की जो वो इनहिबिशन भी करा रहा होता है, सीक्रेशन की इनहिबिशन जब एडिक्वेट क्वान्टिटी में हो जाते हैं तो सोमेटोस्टेसिन जो है वो इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन में। रेगुलेशन किसे करवाता है कि भाई जब जितना जो वो नॉर्मल सीक्रेशन पे हो गई है, एडिक्वेट क्वान्टिटी में हार्मोन सीक्रेट हो गए हैं, तो कुछ हार्मोन्स का जो वो की सीक्रेशन को इनहिबिट करवाने के लिए सोमेटोस्टेसिन जो है वो काम कर रहा होता है। यहाँ तक इसको पढ़ लिया ऊपर ऊपर से। अब ये टेस्टिस और ओवरी की बात हो रही है और ये जो है वो चैप्टर आगे बहुत बड़ा है, तो उसको हम जो है वो अगली वीडियो में जो है पार्ट 4 में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।